75वें गणतंत्र दिवस पर मऊ के एक विद्यालय ने इको फ्रेंडली बनाने का संकल्प लिया है। वहीं इस पूरे गणतंत्र दिवस पर जहां केवल हरे रंग एवं प्राकृतिक रंग एवं पौधों का प्रयोग किया गया, वहीं केवल कागज और पेंसिल कलर का ही प्रयोग कर इस पूरे कार्यक्रम को एक नया रूप देने का प्रयास किया गया। इस बीच डॉक्टर मुरादी केडिया बताते हैं कि इस पूरे गणतंत्र दिवस को हमने इको फ्रेंडली तरीके से मनाने का संकल्प लिया है। आज 75वें रिपब्लिक डे पे बच्चों को एक ही मैसेज दिया गया है कि जिस तरह से भीमराव अंबेडकर जी ने देश के लिए संविधान बनाया था, उसी तरह से बच्चे भी अपने लिए एक संविधान बनाएं जिसके तहत वो अपने अपने ड्रीम्स को अपने गोल्स को आगे चल के ये अचीव कर सकें। आज के दिन हम लोगों ने बच्चों को ये मैसेज दिया और आज हम लोग भी एक लिटिल फॉर चिल्ड्रेन स्कूल निजामुद्दीनपुरा में सभी टीचर ने एक संकल्प लिया है कि आने वाले समय में हम लोग अपनी स्कूल को इको फ्रेंडली स्कूल बनाने जा रहे हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि यहाँ पे पूरे कैंपस के अंदर आपने देखा होगा कि ग्रीन स्कूल, ग्रीन असेंबली, ग्रीन कैंपस, ग्रीन प्लेग्राउंड वगैरह का ये जो एग्जीबिशन किया गया है, ये आज हम लोग ने एक शपथ लिया है कि आने वाले समय में हम लोग की स्कूल जो होगी वो इको फ्रेंडली स्कूल होगी, ग्रीन स्कूल होगी, और हम लोग बच्चों को भी यही चीज़ के लिए हम लोग प्रेरित करेंगे कि हम लोग को इको फ्रेंडली बनना, अपने नेचर को, अपने प्रकृति को आज के दिन हम लोग को बचा के भी रखना, ये हम लोगों ने आज संकल्प लिया है। गणतंत्र दिवस के 75वें वर्षगांठ पर विभिन्न विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। जनपद मऊ के सोनीधापा बालिका इंटर कॉलेज में जहां नन्हे बच्चों ने इस पूरे गणतंत्र दिवस को उत्सव में तब्दील कर दिया, वहीं एनसीसी कमांडो की अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा ने गणतंत्र के अनोखे रूप को भी दर्शाया। इस बीच एनसीसी कमांडो के सीटीओ सूर्यभूषण द्विवेदी बताते हैं कि यह गणतंत्र दिवस भारत की आत्मा में बसता है, वहीं एनसीसी कमांडो की भी अपनी जिम्मेदारी होती है। मैं डॉक्टर सुशीला प्रधानाचार्य हूं जी, और बच्चों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहां पे हर्षोल्लास का माहौल है और शहीदों के जीवन पर आधारित कहानियों को, प्रेरक शिक्षाओं को हमने बताया है कि जिससे बच्चे प्रेरित रहें, उत्साहित रहें, उत्साहवर्धन हो, देश के प्रति बच्चों को ये लगे कि क्या कुर्बानियाँ, बलिदान, कैसे कैसे संविधान लागू हुआ है उसके बारे में, उनके माता के बारे में बताया। दिवस के अवसर पर शहीदों को याद किया तथा उनके द्वारा किए गए योगदान को हमने स्मरण किया तथा उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेते हुए अपने राष्ट्र के विकास के लिए अपने कैडेट्स को, अपने महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत किया तथा हम आज इस पर्व पे बहुत ही आह्लादित हैं तथा हमारे कैडेट्स राष्ट्रीय स्तर की किसी भी तरह की भूमिका होती है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। मुख्य अतिथि द्वारा गुब्बारा एवं कबूतर शांति का प्रतीक जो भरा नहीं है भाव से जिसमें बहती रफ्तार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर से जिसे स्वदेश के प्यार, रेड कार्पेट पर प्रथम कमांड डॉक्टर रजत विक्रम सिंह दिशा निर्देशक, मीडिया के सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन और वंदन कर रहा हूँ। परेड निरीक्षण के लिए परेड वाहन पर माननीय